Today we will discuss question on Python system. Okay, we will see the concept how to solve this question. Okay, and a very good concept we will going to discuss in this question. Okay, so what question said? First we see question is a pipe can empty a tank in 40 minutes. A second pipe with dia twice as much as that of first is also attached with the tank to empty it. How much time will the two pipes together take to empty the tank? Okay, so पहले हम question समझते हैं and after then we will proceed with the solution. So question क्या कह रहा है? Question कह रहा है हमारे पास tank है. Okay, this is the tank. इसमें कुछ filled है, water filled है, okay, liquid filled है and एक pipe है जो 40 minutes में it will empty it. Okay, now अब दूसरा part आता है question का which said कि अगर if we add a pipe of 2D dia, okay, we add a pipe of 2D dia, okay, अगर ये D dia का है, D is the dia of the pipe, जो हम specification लेते हैं, and इसका pipe का dia 2D है, then both pipe अगर run करेंगे, तो how much time they will take to empty this tank, okay, to empty this tank, but यहाँ पे हमें इसके time के बारे में नहीं पता कि how much time it will take alone. So, as a question, first we have to find the time taken by this pipe alone to empty this tank, okay? और हमें इसका पता ही है. So, question क्या है? तो question, what is given in the question? So, what is given in the question? Given is that if the pipe of dia is D, then time taken by the pipe is 40 minutes. You can see here only, okay? This is given in the question. Now, another thing is given that dia is 2D, then how much time it will take is not given. We have to find this. If we find this, then we will easily find the time taken by both the tank. Okay, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका individual time पता करेंगे, but distance और time में क्या relation होता है, we have to find first. So you know about this equation, discharge equals to area into velocity. Okay, a beautiful equation. ठीक है, a is the area of the pipe and b is the velocity of the pipe. ठीक है, कोई भी pipe से जो discharge होता है, discharge बोले तो amount of water released होता है यहाँ से, वो किस पे depend करता है? वो depend करता है यहाँ के area पे, जो pipe का area होगा उस पे. ठीक है, जैसे ये pipe है तो इस pipe का जो ये area होगा, ये dia होगा d, इसका एरिया क्या होता है, सर्कुलर पाइप का पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सो इसका एरिया और जो वेलोसिटी होगी, इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर, उसकी वेलोसिटी, ओके, उसकी वेलोसिटी और इसका एरिया निकाल लेंगे, हमारे पास ये आ जाता है डिस्चार्ज, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, SI यूनिट. ओके, सो ये होता है डिस्चार्ज. ओके, नाउ हम अगर बात करें कि फॉर टाइम टी, ओके, अगर हम फॉर टाइम टी कितना डिस्चार्ज निकला, ये तो फॉर द पर सेकंड है, पर सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम में कितना डिस्चार्ज आता है, कितना वाटर निकल रहा है वो पता है, बट हाउ मच अमाउंट पर्टिकुलर टाइम टी पे निकला, ये कैसे निकलता है? जैसे यहां से अगर डिस्चार्ज निकल रहा है, अगर हम कंटेनर अगर इसके नीचे रखें तो एक टाइम टी के बाद ये कुछ भर जाएगा, तो हाउ मच अमाउंट, ये कितना भरा, ये कैसे होगा? सीधे सीधे इसको टाइम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस क्यू इंटू टी, विच विल बी व्हाट, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो होगा. दैट मीन्स अगर हम बात करें यहां पे डिस्चार्ज, जो कितना हमारे पास डिस्चार्ज टोटल निकलेगा, ओके, टोटल डिस्चार्ज वो कितना गया, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो आप इजीली देख रहे होगे यहां से कि जो एरिया है और टाइम है वो किस पे डिपेंड, कैसे डिपेंड हो रहा है. तो अगर हम एरिया इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज अपॉन एरिया इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. दैट मीन्स यहां से आपका आ गया कि जो टाइम है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. यहां से सिंपली आ रहा है कि जो टाइम है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. व्हाट दिस मींस कि अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे, अगर हम पाइप के डाया को इंक्रीज करेंगे डी टू डी थ्री डी, देन टाइम क्या होगा, लेस होगा. कितना लेस होगा अभी हम देखते हैं. तो इस यहां से तो जनरल ये आता है कि हम एरिया बढ़ाएंगे टाइम कम होगा, उतना कम टाइम लेगा इसको निकलने में. कॉमन सेंस है कि अगर हम पाइप का डाया बढ़ाएंगे ये उतना जल्दी उतना जल्दी ये खाली हो जाएगा. ओके, अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है
यू नो दैट एरिया ऑफ पाइप क्या होता है, एरिया ऑफ पाइप इज पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर. ओके दैट मीन्स एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया का स्क्वायर. दैट मीन्स यू नो दैट एरिया ऑफ पाइप इज डी स्क्वायर. तो एरिया को किसे रिप्लेस कर देंगे, डी स्क्वायर से. ठीक है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, दैट मीन्स वन अपॉन डी स्क्वायर. मतलब टाइम जो है वो हमारा डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके अब यहां से क्या आता है, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है कि अगर टाइम टी में अगर डाया अगर हमारा डी है सो 2D में कितना टाइम लेगा, यहां से आ जाएगा आपका सीधे 1/4D² विच विल बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ टी ओरिजिनल. एंड व्हाट इज दिस टी ओरिजिनल, टी ओरिजिनल इज 40 मिनट्स. सो 1/4 इंटू 40 विच विल बी 10. ओके सो यहां से हमें ये पता चल गया है कि सेकंड पाइप कितना टाइम लेगा, 10 मिनट्स. ओके गॉट इट, कि हमने इस बताने का यही हमारा मकसद था कि आप ये जान जाओ कि कैसे हाउ टाइम और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन आए. ओके दिस डी और 2D के बीच का रिलेशन हम पाइप एंड सिस्टम में कैसे पता करें, ये हमारा पूरा बताना था ताकि आप भूले नहीं. ओके रटना ना पड़े आपको. तो क्या है कि डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी, तो टाइम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का. यहां से हम निकाल ले गए कि टाइम अगर हमारा डाया अगर डी से 2D होता है तो टाइम कितना लगेगा, 1/4. मतलब यहां से कितना आ गया, तो आपका 1/4 करेंगे तो 10 मिनट्स. यही अगर डाया 3D क्वेश्चन में आ जाए, 4D 5D, तो व्हाट विल बी इसका स्क्वायर कर देंगे, 3D होता तो 1/9 ऑफ 40 मिनट्स, इट विल बी अप्रोक्सली 4 मिनट समथिंग सेकेंड. ओके अब हम कैसे क्वेश्चन करते हैं यहां पे, सो हम यहां पे क्वेश्चन करते हैं. सो अब 40 मिनट लग रहा है वन टैंक को, तो वन टैंक टेक्स 40 मिनट बाय डाया डी पाइप, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/40 टैंक. सिमिलरली हम निकाल लेंगे फॉर 2D पाइप के लिए 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1/10 ऑफ टैंक. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ टैंक विच इज एम्प्टी. अब दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों अगर हम साथ में ओपन करें, बोथ पाइप अगर एक साथ ओपन हो जाए तो हाउ मच टाइम टेकन, तो दोनों को आप ऐड कर दो कि 1 मिनट में दोनों पाइप कितना हो जाएगा, तो 1/40 प्लस 1/10, 1 + 4, 5/40 विच विल बी इक्वल्स टू 1/8 टैंक. ओके सो 1 मिनट में बोथ पाइप टेक 1/8 ऑफ टैंक. तो हमारा पूरा एक टैंक में कितना टाइम लगेगा, वन टैंक में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स. ओके ये सीधे लिकनियर इक्वेशन से आ जाएगा कि अगर 1 मिनट में है हम 1/8 ऑफ टैंक अगर हम खाली कर रहे हैं, तो एक टैंक के लिए क्या हो जाएगा, सीधे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, सॉरी दिस इज नॉट 10 मिनट्स, दिस विल बी 8 मिनट्स. ओके 1/1 टैंक को फिल करने में कितना लगेगा, ये 8 मिनट्स आप इधर ले जाओ, 8 मिनट. ओके सो दिस इज द क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली करने का मकसद ये था कि आप 2D और T के बीच में रिलेशन जान जाए पाइप एंड सिस्टम में. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 2D कर दे, 3D कर दे, 4D कर दे, बट क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा. ओके okay?